पीकी के नाम से मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी नई राह चुन ली है। अब वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ने के बजाय बिहार में अपने जज सुराज अभियान के जरिए राजनीति में उन मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को सार्वजनिक और वैचारिक विमर्श में प्रभावी बनाने वाले हैं, जिन्हें गांधीवाद या गांधी मार्ग के रूप में जाना जाता है। पीके को अपनी जन स्वराज मुहिम में कामयाबी मिलती दिखाई दी तो वो कभी भी अपने राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर सकते हैं, जिसका वैचारिक आधार गांधीवाद होगा और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और भारतीयता को आगे बढ़ाएगा। पीके के आलोचक हमेशा से ये कहते रहे हैं कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जब अपनी स्वराज पद यात्रा से प्रशांत किशोर उन्हें जवाब देंगे, वे आलोचकों को बताएंगे कि जैसे गांधी किसी वैचारिक जड़ता के शिकार नहीं थे और उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा जनता के साथ सीधे जुड़कर विकसित की थी, उसी तरह वो भी जनता के बीच जाकर गांधीवादी विचारों की बुनियाद पर मौजूदा दौर के मुताबिक अपनी विचारधारा की इमारत बनाने जा रहे हैं। पीके के मुताबिक गांधी और उनके विचार जितने अतीत में प्रासंगिक थे उतने ही आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जरूरत है उन पर अमल और लोगों के बीच उन्हें ले जाने की। गांधी का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जो मौजूदा दौर की तमाम सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। हालांकि पीके ने अपनी सियासी मुहिम की शुरुआत बिहार से करने का ऐलान किया, लेकिन प्रशांत किशोर को जानने वाले जानते हैं कि बिहार उनके लिए महज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बकौल पीके, उनका इरादा देश में गांधी के विचारों और उनके रास्ते की प्रासंगिकता को राजनीति में फिर से स्थापित करके संघ परिवार और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे हिंदुत्व का विकल्प देश को देना है। प्रशांत किशोर अपना ये वैचारिक और राजनीतिक प्रयोग बिहार से उसी तरह करना चाहते हैं जैसे कभी महात्मा गांधी ने चंपारण से अपने सत्याग्रह प्रयोग की शुरुआत की थी। लेकिन पीके बिहार में गांधी की खोज जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चलकर कर रहे हैं। वो उसी तरह बिहार की मौजूदा सत्ता, जिसके अगुआ पीके के पुराने मित्र नीतीश कुमार हैं, को चुनौती देते हुए 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कुछ इसी तरह 1974 में सर्वोदय आंदोलन से निकलकर जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुत्री तुल्य इंदिरा गांधी की केंद्रीय सत्ता के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था। जेपी भी गांधी का नाम लेकर सत्ता के खिलाफ मैदान में उतरे थे और पीके भी गांधी को खोजने के लिए बिहार से अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। पीके की इस नई पहल को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे उनकी बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि पीके की इस पहल का बिहार जैसे जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले राज्य में कोई खास असर नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सब ने पीके की मुहिम को खारिज करते हुए अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक बिहार में सिर्फ तेजस्वी मॉडल चलेगा और किसी मॉडल के लिए वहां जगह नहीं है। वहीं जनता दल यूनाइटेड महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है और वहां किसी तरह के नए प्रयोग की कोई जरूरत नहीं है और ना ही गुंजाइश। खुद नीतीश कुमार से जब प्रशांत किशोर की नई पहल के बारे में प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी भी नकारात्मक ही आई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।